हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 क्लास 10 का जो ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले इसके सारे क्वेश्चंस, वीडियोस, बेसिक कंसेप्ट सब कुछ अपलोड हो चुका है। ये हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ अब मूव ऑन कर रहे हैं। तो अगर आप तक अभी तक आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखकर तभी ये वीडियोस तक आ रहे हैं। चलिए, और अगर आप ये वीडियोस पे डायरेक्टली आ रहे हैं तो मेक श्योर कि वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये दिखेगा कि एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। जैसे ही मैं एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो मैं क्या चालू कर दूंगा, सॉल्यूशन। क्या लिखूंगा, देखिए इंट्रैंगल एन एम पी, हमेशा देखना जहां से एंगल बाइसेक्टर, जिस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बन रहा है वहां से आपको स्टार्ट करना है। इंट्रैंगल एन एम पी सेगमेंट एन क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर। एन क्यू क्या है हमारा भाई, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, एंगल एन का बाइसेक्टर है। देयरफोर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो बाय द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, पहला कौन सा साइड, देखो जो इसको भूल जाओ, पहला ये साइड, ये वाले साइड को आपको नहीं देखना है, पहला ये साइड और ये साइड। तो मेरा क्या हो जाएगा, एन पी अपॉन एन एम इज इक्वल टू, अभी आपने एन पी लिया है तो आपको ये साइड लेना है, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा ऊपर पी क्यू, और ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा एम क्यू। आपको फाइंड करना है क्या, क्यू पी। अभी सारे वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करने, एन पी की जगह क्या आएगा बोलिए, 40 आएगा, एन एम की जगह क्या आएगा 25 इज इक्वल टू, पी क्यू की जगह कुछ आएगा क्या, नहीं, तो पी क्यू को ऐसे रखने, एम क्यू की जगह क्या आएगा 14, तो 14 हो गया। अभी सिंपली आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू इधर जाएगा, तो 40 × 14/25 इज इक्वल टू योर पी क्यू। अब मैं क्या करूँगा, वैल्यूज को कट करूँ, देखो ये दोनों 5 के टेबल में जाता है, तो 5 जा और 5 8 जा हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, 8 × 14/5 इज इक्वल टू योर पी क्यू का वैल्यू। बोलो कैलकुलेशन देखो कैसे हो जाएगा, फिर 14 × 8 = 32 3 × 8 + 3 = 11 1 1 2 किससे करना है हमको, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 × 2 = 10 होता है, 2 कैरेट फिर से, सॉरी 1 कैरेट और 12 आ जाएगा, फिर 5 × 2 = 10 होता है, फिर 2 कैरेट = 0 5 4 = तो आपका पी क्यू का वैल्यू कितना आएगा 22.4। therefore PQ is equal to 22.4 unit। क्या लिखोगे आप, unit। I hope आपको ये question समझ में आया, please take a note of this। क्वेश्चन 6 आपको समझ में आ गया, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते ही आपको पता चलेगा, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से होने वाला है। बट जब भी आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करते हो तो ये साइड और ये साइड चाहिए था, अब इसमें आपको ये साइड और ये साइड चाहिए। बट अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो इन्होंने ना बीसी का टोटल वैल्यू आपको दिया है, बीसी का टोटल वैल्यू कितना दिया 6.4। तो हम क्या करेंगे, बीई और ईसी में से किसी एक वैल्यू को एक्स ले लेंगे। तो सपोज मैं सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मैंने क्या लिया, लेट बीई इज इक्वल टू एक्स, बीई को मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अच्छा अगर बीई मेरा एक्स है तो ईसी कैसे मिलेगा मेरे को, 6.4 - x मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, देखो बीसी जो रहेगा, बीसी इज इक्वल टू बीई प्लस ईसी होगा। अब बीसी का वैल्यू आपको कितना दिया 6.4 और बीई का वैल्यू मैंने कितना लिया एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा ईसी। अब एक्स को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो 6.4 - x विल बी माई ईसी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, मतलब ये पार्ट समझ में आया कि हमने ईसी का वैल्यू कैसे निकाला। चलिए तो लेट बी ई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। देयरफोर अभी आप क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो बी सी इज इक्वल टू बी ई प्लस ई सी, और इसका रीजन क्या होगा, बी डैश ई डैश सी। बी सी का वैल्यू आपको कितना दिया है 6.4 इज इक्वल टू बी ई का वैल्यू आपको कितना दिया, आपने क्या लिया एक्स लिया यहाँ से कंसिडर किया, और क्या फाइंड किया आपने ई सी, तो ई सी का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 6.4 - x। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। अब आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या लिखने वाले हो, देयरफोर बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो मुझे देखना है एकदम टोपे वाले सेक्शन पे, एक सेक्शन आपका अलग रहता है वहां से देखना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन सी ई होगा, क्या होगा, सी डी अपॉन सी ई इज इक्वल टू डी ए
डी ए अपॉन ई बी। चलिए वैल्यूज बताइए, सी डी का वैल्यू आपको कितना दिया है, 3 दिया है, सिंपली पुट अप कर दो। सी ई का वैल्यू अभी आपने निकाला है यहाँ पर 6.4 माइनस है, 6.4 माइनस एक्स इज इक्वल टू। डी ए किधर है, डी ए, डी ए का वैल्यू दिया गया 5 दिया है, गिवन में है। और ये वैल्यू आपको, ई बी का वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से एक्स। चलिए अभी अभी आपको इसमें सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू इधर होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 6.4 माइनस एक्स। अब जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपका वैल्यू देखो कैसा आएगा। अब जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 3 इंटू एक्स मेरा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब इसको अगर मैं अंदर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 5 इंटू 6.4 माइनस 5 इंटू एक्स। तो मेरा वैल्यू कितना कैसे चेंज होगा, देखिए एक मिनट, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इधर लिखता हूँ, ये इधर हो गया। हाँ अभी तो ये 3x था, तो ये वैल्यू मेरा कितना हो गया, 3x हो गया। अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 इंटू 6.4 अगर करता हूँ मैं, कितना होगा, 6.4 इंटू 5 करो तो 5 20 0 2 5 6 30 32.0। कितना आ रहा है आंसर, ये मेरा हो गया 32.0, मतलब मैं 32 लिख सकता हूँ माइनस, ये वैल्यू कितना मेरा 5x है। अब ये 5x जब इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32, तो 8x इज इक्वल टू 32, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 4 32 होता है। x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया, मतलब आपको फाइंड क्या करना था, बीई फाइंड करना था। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ बीई इज 4 यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, तो आपको क्या लिखना है, 4 यूनिट, और इसको आपको पुट अप करना है बॉक्स में। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हम डन हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखते ही दिमाग में घंटी बजेगी कि एंगल बाइसेक्टर, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका एंगल बाइसेक्टर के साथ जाएगा। तो स्टेटमेंट आप कैसे स्टार्ट करोगे, देखो जब आप सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे फर्स्ट आप लिखोगे इंट्रायंगल MLN, इंट्रायंगल MLN सेगमेंट MT इज एन, ये क्या आपका एंगल बाइसेक्टर, किसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल M, एंगल M का ये क्या आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब जब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, देयरफॉर कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जब आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है तो क्या बोलेगा वो, MN अपॉन ML। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ वैल्यूज, MN अपॉन LM इज इक्वल टू NT अपॉन TL। MN का वैल्यू आपको कितना दिया है, 10, और ML का वैल्यू देखो आपको कितना दिया है, ML मतलब LM, LM का वैल्यू आपको कितना दिया है, 6 इज इक्वल टू NT का वैल्यू आपको कितना दिया है, 8, और TL का वैल्यू आपको नहीं दिया। अभी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो TL आपका इधर जाएगा तो 10 इंटू TL इज इक्वल टू 6 इंटू 8, अब ये 10 इधर नीचे जाएगा तो TL का वैल्यू कितना होगा, 6 इंटू 8 अपॉन 10, देयरफॉर TL इज इक्वल टू 48 बाय 10, देयरफॉर TL का वैल्यू कितना हो जाएगा, therefore TL is equal to 4.8 क्या यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, TL है इधर LT पूछा है तो फर्क नहीं पड़ता है, आप लास्ट में लिख सकते हो therefore the length of LT is 4.8 यूनिट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका एंगल बाइसेक्टर से ही सॉल्व होगा, तो इसको लिखेंगे पहले क्या सॉल्यूशन। आपको ना आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कौन सा क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर से सॉल्व होगा, कौन सा क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से सॉल्व होगा, और जब आप उसके ऊपर 2-3 सम सॉल्व करते तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन देखते समझ में आएगा कि ये यहां से सॉल्व होगा। देखिए ये आपको एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, फिर आप स्टार्ट कैसे करेंगे, इंट्रायंगल बी ए सी सेगमेंट बी डी इज एन एंगल बाइसेक्टर, सेगमेंट बी डी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन से एंगल का, ऑफ एंगल ए बी सी या फिर ऑफ एंगल बी, इसका एंगल बाइसेक्टर है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी नहीं जाएगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको क्या बोलता है, फर्स्ट आप बी सी लगाओगे, बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी ए। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, बी सी का वैल्यू आपको कितना दिया है, एक्स प्लस 5, और बी ए का वैल्यू कितना है, एक्स।
CD का वैल्यू आपको कितना दिया है x प्लस टू और DA का वैल्यू कितना है x माइनस टू। अब आपको सिंपली क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको इधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई ब्रैकेट x माइनस टू इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो x इंटू x प्लस टू हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते ही आप देखो कैसे लिखोगे, x लिखोगे फिर कौन सा ब्रैकेट आएगा x माइनस टू आएगा, फिर प्लस फाइव आएगा, फिर x माइनस टू आएगा और यहाँ पर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x इंटू टू क्या हो जाएगा आपका टू एक्स हो जाएगा। इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा x इंटू एक्स, फिर इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, x इंटू टू एक्स कितना हो जाएगा आपका टू एक्स हो गया, फिर यहाँ पर साइन प्लस और यहाँ का साइन भी प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा, फाइव इंटू एक्स क्या होगा फाइव एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये आपका प्लस है ये आपका माइनस है, प्लस माइनस के लिए आपको क्या करना, प्लस माइनस माइनस होगा, फाइव टू जा कितना होगा टेन होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टेन हो जाएगा इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू आपका कितना है एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू कितना है प्लस टू एक्स, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। इसके बाद आप क्या करोगे लाइक टर्म्स को साथ में लेकर आओगे, तो ये आपका एक्स ये इक्वेशन आपको इसे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस टेन, इतना आपने लिखा। अब आपको क्या करना है ये इक्वेशंस को इधर लेकर आना है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है इस साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस टू एक्स इस साइड आएगा तो माइनस टू एक्स, तो ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो कुछ कट हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर देखो कट हो रहा है, ये वैल्यू कट हो गया, क्यों, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में है, टू एक्स कट नहीं होगा। अभी क्या करेंगे देखो, माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा माइनस फोर एक्स हो गया और ये हो गया आपका प्लस फाइव एक्स, ये माइनस टेन था उस साइड जाएगा तो प्लस टेन हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करूंगा तो प्लस माइनस माइनस, फाइव माइनस फोर आपका वैल्यू कितना होगा वन एक्स, तो वन एक्स का वैल्यू आपको कितना मिल गया टेन, इसका मतलब एक्स का वैल्यू आपको कितना मिल गया टेन मिल गया। फिर लास्ट में आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, इसमें यूनिट आप नहीं लिख सकते, कुछ भी आपको नहीं लिखना, आपको सिंपली लिखना है therefore the value of x is 10। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस आपको इसमें मिलती रहेंगी। पूरा टेंथ का कोर्स आपके अगर 11th 12th के फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी शेयर करिए, साइंस कॉमर्स सब आपको मैथ्स का वीडियोस आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।